बिहार चुनाव की बिगुल बजते ही झारखंड की राजनीति भी गरमाने लगी है। आपको बता दें, बिहार में जदयू एनडीए का मुख्य घटक दल है, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। ये अलग बात है कि झारखंड में जदयू का खाता भी नहीं खुला। वहीं एक बार फिर से झारखंड की सियासत में जदयू एनडीए का घटक दल होने के नाते हिस्सेदारी चाह रहा है, जहां जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने साफ कर दिया है कि झारखंड में होने वाले उपचुनाव में दुमका सीट पर उनकी पार्टी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वैसे बेरमो सीट पर उन्होंने भाजपा का साथ देने का भरोसा दिलाया है। इसके पीछे उन्होंने भाजपा नेतृत्व में प्रत्याशी को लेकर जारी खींचतान को दिया है। उन्होंने बताया कि दुमका सीट से भाजपा पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर लुईस मरांडी पर दोबारा दाव नहीं लगाना चाह रही, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में जदयू दुमका सीट पर मजबूत स्थिति में है और गठबंधन धर्म के तहत जदयू को दुमका सीट मिलनी चाहिए। ऐसे में अब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सालखन मुर्मू ने इसे दोनों दलों के लिए एक यक्ष प्रश्न के रूप में छोड़ दिया है। वैसे झारखंड विधानसभा चुनाव में भी जदयू एनडीए का हिस्सा था, लेकिन यहां जदयू और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ी, जहां जदयू का खाता भी नहीं खुल सका और भाजपा को सत्ता से दूर होना पड़ा। फिलहाल सालखन मुर्मू ने एक राजनीति बहस के मुद्दे को हवा दे दी है। की अध्यक्षता में नेतृत्व में और हम लड़ ही नहीं रहे हैं, वहां चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि नीतीश जी का बिहार में कोई विकल्प अभी नहीं है। तो उसी तर्ज पर हम लोग चाहते हैं कि दुमका सीट में जो उपचुनाव होगा या बेरमो सीट में जो उपचुनाव होंगे, बीजेपी और जदयू मिलकर चुनाव लड़ें, और इसका प्रस्ताव हमने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है और हमारे राष्ट्रीय नेता जो अध्यक्ष हैं नीतीश जी, उनको भी इसकी जानकारी है। और उस हालत में यदि बीजेपी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगी तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है। दुमका सीट में चूंकि बीजेपी खुद सशंकित है और उन्होंने इसीलिए बाबूलाल मरांडी जी को वहां चुनाव के लिए उतारने का घोषणा किया था, प्रस्ताव दिया था, जो उन्होंने अस्वीकार कर दिया है, और वहां से जो पहले सिटिंग एमएलए थी लुईस मरांडी जी, उन पर बीजेपी को खुद भरोसा नहीं है। तो वैसी हालात में जनता दल यू वहां पर चुनाव लड़ेगी और जनता को हम एक विकल्प देने का कोशिश करेंगे, मगर बेरमो में हम बीजेपी को ही सहयोग करेंगे।